चैनल और क्या देख रहे हैं ये वाला जो लुक है वो आप लोग को क्रिएट करना है तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में आगे तक और मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आप लोग ये वाला जो लुक है नो मेकअप मेकअप लुक आप लोग घर पे बैठे बिना किसी भी तरीके का यू नो फाउंडेशन बीबी क्रीम सीसी क्रीम कंसीलर यूज किए अपने फेस पे आप इस टाइप के बहुत ही क्लासिक लुक को क्रिएट कर सकते हो वो भी समर में, क्योंकि ये जो लुक है ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और समर का टाइम चल रहा है तो ऑलरेडी हम लोग की स्किन जो है वो बैंड बजी हुई रहती है, तो इस टाइम के लिए ये वाला जो लुक है बिल्कुल बेस्ट है, सिंपल और शुगर वाला लुक लगता है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक और मैं दिखाती हूँ किस तरह आप लोग ये जो लुक है वो क्विकली आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अभी फेस वॉश किया है तो फिलहाल के लिए मेरी स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेशन की जरूरत है और उस हाइड्रेशन के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ प्लम का ग्लो रिस्ट फेस ऑयल। तो ये जो है गाइस ऑयल बहुत ही अच्छा ऑयल प्लस सीरम है और ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए बहुत ही अच्छा प्लस सुटेबल होता है और ये ना बहुत ही क्विकली हमारे स्किन को ना बहुत ही अच्छी तरीके से हाइड्रेट भी कर देता है। इसको हमें बहुत अच्छे से अपने स्किन पे अपने फेस पे अपने आई एरिया पे इसको अप्लाई करना है जिससे कि हमारे फेस में हमारे स्किन के साथ बहुत ही अच्छे से ये अंदर से बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाए। वेज़लिन का ये लिप वाला ओके तो आप लोग प्लीज इस बैकग्राउंड को थोड़ा अवॉइड करिएगा क्योंकि ये जो कलाकृति है मेरे बेटे का किया हुआ है इसीलिए। तो चलिए इसी बीच में हमने अपने स्किन को हमने अपने लिप्स को भी बहुत अच्छे तरीके से इसको मॉइस्चराइज कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है गाइस हमें एक मॉइस्चराइजर की जरूरत है तो मॉइस्चराइजर के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ओले का वाइट रेडियंस ब्राइटनिंग इंटेंसिव क्रीम। तो ये जो है ये भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही क्विकली हमारे स्किन के साथ ये मिल जाता है और इसको बिल्कुल देखिए ऐसे हमें इसे डॉट डॉट फॉर्म में इसको अप्लाई करना है और ये इसका इस नेक एरिया को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके तो चलिए अब क्विकली इसे भी हम लोग अपने फेस पे अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा बायो सैंडलवुड का सनस्क्रीन जिसके अंदर हमें मिलता है SPF 50 UVA UVP ये अल्ट्रा सूथिंग फेस क्रीम के साथ आता है। तो इसकी जो पैकेजिंग है कुछ इस तरह से है ओके। तो गाइस ये जो सनस्क्रीन होता है मतलब किसी भी वेदर के लिए किसी भी सीजन में बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है सनस्क्रीन अप्लाई करना। तो चलिए हम लोग भी इसको अप्लाई कर लेते हैं। इसकी जो स्मेल है ना बहुत ही अच्छी है चलिए इसको भी नेक एरिया पे हम लोग थोड़ा अप्लाई कर लेते हैं और फिर होगा ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। ये जो है हमारे स्किन में बिना किसी भी तरीके का फाउंडेशन सीसी क्रीम बीबी क्रीम या फिर किसी भी तरीके का यहाँ पर मैंने कोई आई क्रीम भी यूज नहीं किया और ये अच्छी तरीके से हमारे स्किन को कितनी अच्छी कवरेज दे रहा है बिल्कुल फ्रेश और नो मेकअप मेकअप लुक जैसे मैंने बताया था वो बिल्कुल क्रिएट हो रहा है ओके। तो गाइस अब हम लोग इसको सेट होने देंगे एटलीस्ट 10-15 मिनट्स के लिए क्योंकि जब तक 10-15 मिनट्स के अंदर ये जो हमारे स्किन के साथ बहुत अच्छे से ये मिक्सअप हो जाता है तो 10-15 मिनट्स के लिए वेट करते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से ओके। तो आफ्टर 15 मिनट्स हमारा जो स्किन आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी कितना ज़्यादा ग्लोई ग्लोई लग रहा है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हरी रहता है वो लोग 15 मिनट्स तक वेट ना करें तो भी चलता है बट या अगर हम लोग घर पर हैं और हमारे पास थोड़ा सा टाइम है
तो उस सिचुएशन में हमें एटलीस्ट 10-15 मिनट्स तक वेट करके हमारे जो सनस्क्रीन उसको अच्छी तरीके से हमारे स्किन के साथ उसे एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे यूज करने वाले हैं लास्ट बहुत ही यू नो मेन प्रोडक्ट हम लोग बोल सकते हैं, जो कि हमारे पास है यहाँ पे मेबलिन का फिट मी। यू नो ये है हमारा पोरलेस पाउडर जो कि हमारे ऑयल को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है 12 आवर्स के लिए। तो इसके साथ हम लोग एक ब्रश की हेल्प से इसे हम लोग अच्छी तरीके से अपने स्किन में ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा सा नेक एरिया को भी कवर करते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा हल्का। जो हमारा प्रोडक्ट है वो है एक्चुअली कंपल्सरी में नहीं है, टोटली आप पे है कि आप इसे यूज करना चाहते हो या नहीं, लेकिन मैं तो इसे लगाए बिना मैं घर से कहीं भी बाहर नहीं जाती, वो है हमारा काजल। तो यहाँ पे काजल मेरा वन ऑफ द फेवरेट और मोस्ट फेवरेट आप लोग बोल सकते हैं, जो कि है प्लम का नेचर स्टूडियो का काजल। तो यहाँ पे मैंने शेड ब्लैक लिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने काजल जो बहुत ही हल्का ही सही लेकिन मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोग के साथ बिल्कुल फाइनल लुक में। दिस इज माय फाइनल लुक एंड आई होप आप लोगों को मेरा आज का जो इजी समर का नो मेकअप मेकअप लुक विदाउट फाउंडेशन बीबी क्रीम सीसी क्रीम कंसीलर ये वाला जो लुक है वो आप लोग को पसंद आया होगा। एंड आई होप कि आप लोग इसे डेफिनेटली ट्राई करेंगे, बहुत ही इजी बेसिक है अपने ब्लेमिशेस को हिडन करने का। सो आई होप आप लोग को मेरा आज का छोटा सा जो वीडियो था वो पसंद आया होगा। पता है ना वीडियो पसंद आता तो क्या करना है, मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है टिंग 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 उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं अपना वीडियो पोस्ट करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ प्लीज मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जितने भी ऑयली स्किन टाइप वाले हैं या फिर जो भी अपने फेस पे किसी भी तरीके का जैसे मैंने बताया फाउंडेशन कंसीलर बीबी क्रीम सीसी क्रीम अप्लाई नहीं करना चाहते हैं उन लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।